विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम फिलहाल पूरे तरीके से हावी नजर आ रही है मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर पाकिस्तान पर। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान ने पहले तो टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि विराट ने कहा कि हम भी गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाकिस्तानी टीम को बैकफुट पर डाल दिया। बता दें आपको कि केएल राहुल और रोहित शर्मा आज पारी की शुरुआत करने उतरे थे। शिखर धवन के चोटिल हो जाने के बाद सभी की नजरें इस बात पर थी कि आखिरकार रोहित शर्मा के नए पार्टनर केएल राहुल किस तरह से रोहित शर्मा का साथ देंगे, लेकिन केएल राहुल ने रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाया और दोनों ने 136 रनों की शानदार साझेदारी कर दी। 136 रनों की साझेदारी करने के बाद केएल राहुल 24वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। उनका विकेट वहाब रियाज ने लिया। उसके बाद रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के बीच भी एक शानदार साझेदारी हुई। रोहित शर्मा अपना 24वां शतक पूरा कर चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 39वें ओवर में रोहित शर्मा यहां पर हसन अली की गेंद पर वहाब रियाज को स्कूप करने के चक्कर में कैच थमा बैठे और अपनी पारी का अंत कर बैठे। हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 14 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े। इसके बाद कोहली और पांड्या शो फिलहाल बाकी था। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के तरह ही पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने बल्लेबाजी की और अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ 51 रन जोड़ दिए। 51 रनों की उनकी साझेदारी में हार्दिक पांड्या ने 26 रन 19 गेंदों में बनाए। वहीं विराट कोहली पहली पारी में बारिश आने तक 71 रन बना चुके थे महज 62 गेंदों में और 6 चौके उनके शामिल थे। महेंद्र सिंह धोनी आज कुछ कमाल नहीं कर पाए और महज 1 रन बनाकर मोहम्मद आमिर की गेंद पर सरफराज अहमद को कैच थमा बैठे। बड़ी बात यह है कि अगर बारिश के बाद खेल शुरू होता है और अगर भारत बल्लेबाजी नहीं करता है तो यहां से 46 ओवर में पाकिस्तान को 327 रनों का लक्ष्य चेस करना पड़ेगा। फिलहाल भारत का स्कोर बारिश रुकने तक 46.4 ओवर में 305 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल पाती है। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।